आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने विंडोज 10 की लैपटॉप में गेस्ट अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि आपका जो लैपटॉप विंडोज 10 की जो लैपटॉप है उस पे कोई भी दोस्त यूज करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि उसका एडमिनिस्ट्रेटर यूज नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उसको गेस्ट पे ही यूज करने देना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एक गेस्ट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप विंडोज 10 में एक गेस्ट अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप भी जानना या फिर सीखना चाहते हैं तो प्लीज देखते रहिए ये वीडियो। सबसे पहले ओपन कीजिए अपना विंडोज 10 की लैपटॉप। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक सर्च आइकॉन दी गई है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पर टाइप कीजिए यूजर अकाउंट। ये देखिए यूजर अकाउंट, जैसे ही टाइप किया सबसे पहले एक ऑप्शन दी गई यूजर अकाउंट कंट्रोल पैनल, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर देखिए एक विंडो ओपन हो गया है। उसके बाद मैनेज अनदर अकाउंट पर क्लिक कीजिए। मैनेज अनदर पर जैसे ही क्लिक किया कुछ इस तरह के विंडो ओपन हो गया। उसके बाद ऐड ए न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। उसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया फिर एक विंडो ओपन हो गया। उसके बाद अदर यूजर पे एक प्लस आइकॉन दिख रहा है, ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया फिर से एक विंडो ओपन हो गया एंड देन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यूजर नेम इंटर पासवर्ड री इंटर पासवर्ड एंड पासवर्ड हिंट। तो यहाँ पर अपना यूजर नेम चूज कर लीजिए। मैं यूजर नेम चूज कर लेती हूँ, मेरा नेम ही चूज कर लेती हूँ गनी। एंड देन चाहे तो आप इस पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं, तो फिलहाल मैं इसको यही रहने देती हूँ, मैं पासवर्ड ले ही लगाना चाहता हूँ। चाहे तो आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं, तो सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक किया एक गेस्ट अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। तो मैं चेक कर लेती हूँ मेरा जो गेस्ट अकाउंट है क्रिएट हुआ कि नहीं। ये देखिए ये यहाँ पर देखिए गेस्ट अकाउंट क्रिएट हो गया है। जब भी आप लैपटॉप को रिस्टार्ट करके ओपन करेंगे तब आपको दो यूजर अकाउंट देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो है मेरा एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरा जो है गेस्ट अकाउंट। तो आपने सीख लिए हैं, जान लिए हैं कि विंडोज 10 में गेस्ट अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।